हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एसआर मेडिकल लाइन में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं बीके वर्मा, फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन काउंसलर। हम लोग आज एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो है लोमोटिल टेबलेट। लोमोटिल टेबलेट का हम लोग जानते हैं कंपोजिशन क्या है और यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और इसका जो है एमआरपी क्या है। कंपोजिशन से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अगर कंपोजिशन की बात किया जाए तो डाइफिनॉक्सीलेट, हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपीन सल्फेट होता है। इस टेबलेट का जो कंपोजिशन है ये डाइफिनॉक्सीलेट, हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपीन सल्फेट होता है। अब हम लोग इसका यूज एंड इंडिकेशन जान लेते हैं। अगर यूज की बात किया जाए तो यूज जो है, अगर किसी पेशेंट को वाटरी स्टूल यानी डायरिया बहुत तेजी से हो रहा है, डायरिया के साथ में पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। अगर किसी को जो है डिसेंट्री हुआ हो, पेचिश टाइप का, उसमें भी पेशेंट को बहुत अच्छा दिलाया जाता है। और इसकी कंपनी की बात करते हैं, कंपनी जो है आरपीजी लिमिटेड यानी आरपीजी लाइफ साइंस का एक बहुत अच्छा यानी टॉप ब्रांड है, जो आरपीजी लाइफ साइंस जो द्वारा मैनुफैक्चर होता है। अब हम लोग इसका जो है एमआरपी की बात करते हैं, तो एमआरपी जो होता है वो 20 टेबलेट का 23 रुपया 15 पैसे होते हैं। अब जो है हम लोग इसका साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट जो है ड्राई माउथ हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये सब जो है साइड इफेक्ट देखे गए हैं। और जो है ये कैसे वर्क करता है बॉडी में, जब हम लोमोटिल टेबलेट होता है इसको जब ओरल द्वारा लिया जाता है, तो बाई जो है स्टूल में जाके ये जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को जो मतलब राउंड करती है, उसके मूवमेंट को धीरे धीरे कम कर देता है। कम कर देता है तो जो वाटर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तब डिक्रीज होगा तो नॉर्मली सी बात है, जो स्टूल होगा वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और दस्त जो आता है पेशेंट को वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। और अब हम लोग स्टार्ट मतलब जानते हैं इसका जो है साइड इफेक्ट तो हो ही गया, अब जानते हैं किसको किसको नहीं लेना है। अगर कोई पेशेंट जो है प्रेग्नेंट वोमेन है तो बिल्कुल ना ले, या मान के चलिए अगर कोई चाइल्ड है, 5-6 महीने का बच्चा है, तो बिल्कुल ना दिया जाए उसको, क्योंकि ये सब साइड इफेक्ट कर सकता है। और अगर कोई भी दवा आप लोग लेते हैं तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें। और जो है अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।